ये टैंक में एक बहुत ही यूनिक फिश डालने वाला हूं, देखते रहना पड़ेगा ना। नाउ कोई भी जब हम कोई एक्वेरियम बनाते हैं, कोई आइडिया या कॉन्सेप्ट नया ट्राई करते हैं, जैसे कि यहां पे हम ये मैक्रो एल्गे वाला रीफ एक्वेरियम बनाने वाले हैं, हमें प्रिपेयर होना चाहिए, होमवर्क करेक्ट होना चाहिए, सब कुछ रेडी होना चाहिए, सब कुछ ठीक होना चाहिए, तब जाके ये कॉन्सेप्ट काम करने लगता है। यहां पे ये टैंक में हम मैक्रो एल्गे ग्रो करने वाले हैं। बहुत कलरफुल होता है, रीफ जैसा ही दिखता है, एंड ये सब जद्दोजहद वो मैक्रो एल्गे ग्रो करने के लिए है। एंड हमें जरूरी है कि वाटर पैरामीटर्स परफेक्ट हो, करेक्ट हो, साइक्लिंग अच्छा हो। नाउ इसमें कौन सा फिश डालना है आप डिसाइड करो, आप बताओ कि ये फाइनली कौन सा फिश डालना है, क्या ज्यादा सुंदर दिखेगा, आप चॉइस करके मेरे को बताओ, कमेंट्स में लिखना। ओके, मजा आएगा। नाउ कुछ महीनों से ये टैंक का आप वीडियोस देख रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है इसमें। पहले हमने ये टैंक का सेटअप का वीडियो बनाया, फिर उसका फिल्ट्रेशन का वीडियो बनाया, फिर हाल ही में अक्टूबर आई थिंक 13 तारीख को आपने इसका जो पानी कैसे बनाते हैं, सॉल्ट वाटर कैसे बनाते हैं, वो वीडियो आपने देखा। एंड ये भी देखा कि हमने इस पूरा सिस्टम स्टार्ट किया, फिल्ट्रेशन स्टार्ट किया और बैक्टीरिया डाला। ओके, एंड हमने सेलिनिटी भी चेक किया, ठीक है, ये सब चीजें आपने पिछले वीडियो में देखा। आज के इस वीडियो में हम, अभी क्या 18 दिन हुआ ना, 18 20 दिन, 3 हफ्ते हुआ, तो आज हम ये चेक करने वाले हैं कि हमारा साइक्लिंग हुआ है क्या, उसके लिए टेस्ट किट वगैरह लगेगा। एंड यहां पे हमें चेक करना है कि नाइट्राइट कितना है, अमोनिया कितना है, पीएच कितना है, नाइट्रेट कितना है, एंड ऑफ कोर्स सेलिनिटी या नमक की मात्रा हमारे हिसाब से या फिश के लिए अच्छा है क्या, ये सब हमें टेस्ट करना है। एंड मैं मानता हूं कि साइक्लिंग अच्छा हुआ है, इसलिए मैंने फिश भी मंगाया है। ओके, ये कौन सा फिश है एंड क्यों मैं ये डालने वाला हूं बता दूं क्या? ये मौली फिश है, बट डालूंगा, मजा आएगा। मरीन टैंक, सॉल्ट वाटर, खारा पानी, फ्रेश वाटर फिश, क्यों कैसे देखते रहो। नो, यहां पे हम बहुत ही एक यूनिक फिश डालने वाले हैं, डाल चुके हैं, आपको वीडियो के आखिर में पता चलेगा। नाउ अगर ये कॉन्सेप्ट आपको मजेदार लगा, अच्छा लगा, तो जरूर लाइक करो ये वीडियो को, बिकॉज देन और भी जो इंटरेस्टेड हॉबीस्ट है मरीन एल्गे या मैक्रो एल्गे का एक्वेरियम कैसे बनाते हैं, जो इंटरेस्टेड हॉबीस्ट है उनको YouTube वाले ये वीडियो दिखाएंगे। ओके, उनको भी अच्छा लगेगा, उनको भी हेल्प मिलेगा, आप सिर्फ लाइक करो। ओके, पहले तो ये समझें कि पानी टेस्ट क्यों करना है भाई। ये जो सॉल्ट वाटर एक्वेरियम या मरीन एक्वेरियम या मैक्रो एल्गे रीफ एक्वेरियम, ये सब खारा पानी है या समुंदर का पानी है। अगर नॉर्मल फ्रेश वाटर होता तो फ्रेश वाटर, ठीक है, समझ में आ जाता है। बट नमक के पानी में अगर ऐसा होता कि हाँ टेस्ट करके बताए कि बस नमक ठीक है क्या, तो मजा आ जाता। बट इसमें टेस्ट करना बहुत जरूरी है। सो जब भी आप मरीन एक्वेरियम या सॉल्ट वाटर एक्वेरियम या रीफ एक्वेरियम बनाते हैं तो जरूरी है कि आपके पास टेस्ट किट्स हो। ओके, एंड रेगुलरली पानी को टेस्ट करें, एस्पेशली सेलिनिटी। सेलिनिटी मतलब मैं समझाता हूं फिर से कि पानी में नमक की मात्रा कितना है। नाउ नमक की मात्रा अगर ज्यादा हो जाता है तो फिश मर जाते हैं, ब्रीद नहीं कर पाएंगे। ओके, एंड अगर नमक का मात्रा कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। वो स्टैंडर्ड क्या है मैं बताऊंगा ना आपको, टेस्ट करेंगे ना रिफ्रैक्टोमीटर, वो पिछली बार किया था हमने बायनोक्युलर जैसा, मजा आता है। फिर कौन सा टेस्ट किट यूज करना है, कौन सा टेस्ट किट बेटर है, वो भी डिस्कस करेंगे, एंड ऑफ कोर्स मछली डालना है। नाउ ये हमारा न्यूट्रोप्लस क्या कर रहा है यहां पे, देखना है ना। चलो अभी क्या करेंगे, ये सब डिस्कस करने तक, ठीक है, मछली को हम एक्लेमेटाइज कर लेंगे,
सिंपल मेथड है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ऑफ कोर्स ये मछली दुकान से आया है, ओके ये सेल फिन मोली है। अब ये कैसे मरीन एक्वेरियम में रहता है वो सब बाद में डिस्कस करेंगे, देखते रहो। सो ये मैं खोल के मैं संदीप को दे रहा हूं, ये मग में डालेंगे और सॉल्ट वाटर लेके इसको एक्लेमेटाइज करेंगे। नॉर्मल एक्लेमेटाइजेशन है। ऑल्सो दूसरा क्या है, हमारा जो न्यूट्रो प्लस है ठीक है वो पानी में डायरेक्ट डालेंगे, ओके अगेन फिश को डी स्ट्रेस करने के लिए। ये ले जाइए संदीप, थोड़ा सब रेडी कीजिए। नाउ अभी हमने संदीप को दे दिया है पूरा फिश क्वारंटाइन करने के लिए, देखते हैं ना क्वारंटाइन के बारे में समझते हैं। रुको, उससे पहले थोड़ा टेस्टिंग कर लेते हैं, वाटर टेस्टिंग करते हैं ठीक है। पहला चीज इसमें ये डिसाइड करना है कि हमें कौन सा टेस्ट किट बेस्ट लगेगा। यहां पे मैंने बैक्टीरिया भी रखा है जो हमने पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था यूज कैसे करते हैं। ये इसलिए रखा है बिकॉज अगर हमारा अमोनिया लेवल्स या नाइट्राइट लेवल्स ज्यादा है, जीरो होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादा है तो हमें बैक्टीरिया डालना पड़ेगा, इसलिए मैंने रखा है रेडी है। नाउ टेस्ट किट्स जो है अलग अलग कंपनी के आते हैं। एक्वा फॉरेस्ट का जो है मेरे हिसाब से बेस्ट क्वालिटी का है, बट उनका क्या है मल्टीपल टेस्ट किट्स है, ओके जैसे नाइट्रेट के लिए अलग, नाइट्राइट के लिए अलग, अमोनिया के लिए अलग, अलग अलग टेस्ट किट्स है, इंडिपेंडेंट यूनिट्स है ठीक है, वो आप अलग अलग लेके आप यूज कर सकते हो। एपीआई उनका भी टेस्ट किट आता है, रीफ टेस्ट किट आता है, बट बेस्ट इज सॉल्ट वाटर मास्टर टेस्ट किट बिकॉज हमें चाहिए अमोनिया, पीएच, नाइट्रेट, नाइट्राइट। नाउ यहां पे वैसा वाला मेरे को, अरे ये दिखाना नहीं था, ये सीक्रेट है, नहीं दिखाता हूं बाद में हा? मैं यहां पे यूज कर रहा हूं एंटी लैब्स जो एक यूरोपियन कंपनी है। ये बहुत इजी है यूज करना, इसमें अमोनिया भी है, नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड पीएच, चारों टेस्ट सब इसके अंदर ही आ जाता है, सब कुछ इसमें है ठीक है। हम इसको देखेंगे कैसा यूज करना है, क्या करना है। नाउ एंटी लैब्स का टेस्ट किट यूज करना है ना, चलो पहले तो समझो कि क्या क्या आता है इसमें ठीक है। इसमें अलग अलग टाइप के रिएजेंट्स आते हैं, इसमें टेस्ट ट्यूब्स आएगा ठीक है, जिसमें हम पानी भर के ये रिएजेंट डालेंगे तो कलर चेंज होगा एंड वो हम यूज कर सकते हैं। एंड पीछे मेजरमेंट के लिए भी है, ओके नाउ मैं इसमें पूरा ओवर डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं बिकॉज ये बहुत सिंपल मेथड है, तो फटाफट मैं आपको दिखाऊंगा भी और एक्सप्लेन भी करूंगा कि हमें टेस्ट ट्यूब्स में फिल करना है एक्वेरियम का पानी, ओके जो एक्वेरियम में रनिंग में है, सिस्टम में, साइक्लिंग में है, वो पानी हमें फिल करना है। अलग अलग टेस्ट ट्यूब है अलग अलग टेस्ट के लिए, जैसे पीएच का अलग, इसका नाइट्रेट, नाइट्रेट का अलग, अमोनिया का अलग, सब में हमको पानी फिल करना है एंड उसके हिसाब से जो दिया गया है ठीक है। ये देखो अमोनिया के तीन रिएजेंट है, ये नाइट्राइट, नाइट्रेट, पीएच, ये भी नाइट्रेट का है, अलग अलग रिएजेंट, अलग अलग यूज है एंड यहां पे उसका सब यूसेज है। जैसे अमोनिया टेस्ट में, जैसे मैंने बताया था ना, अमोनिया के लिए तीन रिएजेंट है, सो पहले हमें पानी ऐड करना है, कितना पानी वो दिखाता है, फिर हमें तीन ड्रॉप पहला रिएजेंट, पांच ड्रॉप दूसरा रिएजेंट, पांच ड्रॉप तीसरा रिएजेंट का डाल के उसको अच्छे से शेक करके उसको हम 10 मिनट छोड़ना है, फिर कलर चेंज होगा एंड हम इसको मेजर कर सकते हैं। बहुत ही इजी सिस्टम में समझाया है, आप इसको वैसे फॉलो करके यूज कर सकते हो। एंड नाउ एंटी लैब छोड़ के आप अगर एक्वा फॉरेस्ट का लेते हो या एपीआई का लेते हो, उसमें भी ऐसा ही है, रिएजेंट्स आते हैं एंड ऑफकोर्स उसका टेस्ट ट्यूब, बॉटल, सब डिटेल आता है और आप उसके हिसाब से देख के पढ़ के यूज कर सकते हो। इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ईजी है करना। नाउ मैंने ऑलरेडी ये टेस्ट कर रखा है, ओके ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, मच्छी डालना है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो मजेदार है ज्यादा। चलो सो ये मैं अभी जो ऑलरेडी टेस्ट किया है वो निकाल के मैं इधर मैच करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे रखना है, कैसे मैच करना है एंड हमारा पैरामीटर्स करेक्ट है या नहीं है, चलो देखते हैं। ओके
सुनाओ, मेरे पास ये चारों टेस्ट रिजल्ट्स यहां पे है। ओके, ये देखो चारों टेस्ट रिजल्ट्स यहां पे है। हम क्या करेंगे, ये टेस्ट रिजल्ट्स को यहां पे रख के यहां पे ये रिजल्ट्स को चेक करने के लिए सब कलर्स दिया है, तो हम मैच करेंगे और देखेंगे कि हमारा रिजल्ट ठीक है कि नहीं। तो पहले हमने लेते हैं नाइट्राइट का, NO2 नाइट्राइट। यहां पे इजी है कि अगर आप पहले से ये स्टिकर डाल लो, एंटी लैब्स में ये स्टिकर देते हैं हर एक में डालने के लिए, अगर ये स्टिकर डाल दो तो पता चलता है रेड टू रेड। ये देखो रेड एंड रेड, नाइट्राइट टेस्ट। और हमें यहां पे ऐसा रखना है और ये लिक्विड को टेस्ट करना है क्या वो मैच हो रहा है क्या। ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो है, थोड़ा सा है, नॉट एन इश्यू, बिकॉज अभी 15 ही दिन हुआ है ना कॉलोनाइजेशन में, सो थोड़ा सा है। ये देखो, थोड़ा और लाइट एडजस्ट करता हूं, देख लो ये नाइट्राइट का हुआ। चलो नाइट्रेट का देखते हैं, NO3। ये देखो ग्रीन एंड ग्रीन नाइट्रेट, हमें यहां पे टिक मार्क दिया है। ठीक है, ये कलर चाहिए, थोड़ा ज्यादा है, नॉट एन इश्यू अगेन, थोड़ा सा यू नो लिटिल बिट मोर, नॉट एन इश्यू, ये मैच हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पीएच और अमोनिया, चलो पीएच का देखते हैं अगेन। सी पीएच इज अबाउट 7.8 to 8, एक्चुअली यहां तक रहेगा तो भी ठीक है, बट एनी वेयर हियर इज ओके। ठीक है, तो ये 7.8 to 8 पीएच है। सी यू कैन सी हियर और लाइक दिस, विच एवर यू वॉन्ट, इसको आप चेक कर सकते हैं, नॉर्मल है। नाउ पीएच से भी इंपॉर्टेंट है अमोनिया, यहां पे अमोनिया अगर येलो है तो ठीक है, ओके, बट ये येलो से भी लाइटर है कलर, लाइट येलो कलर, ओके, टुवर्ड्स ग्रीनिश, सो ये ओके है, ओके, इन बिटवीन है दोनों का, नॉट एन इश्यू। ऑलराइट, नाउ हमारा टेस्ट रिजल्ट्स ऑलमोस्ट पॉजिटिव है। ओके, थोड़ा थोड़ा कलर ज्यादा इसलिए दिख रहा है बिकॉज मैंने काफी देर तक ये वीडियो बनाने के लिए ऑलरेडी बना के रखा था, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा दिखा रहा है, इट्स नॉट एन इश्यू। ओके, इट इज परफेक्ट मेरे हिसाब से। ओके, इसलिए मैं ये टैंक में हमारे मोलीज भी डालने वाला हूं। ठीक है, बट डालने से पहले टेस्ट करना है ना सेलिनिटी कि कितना नमक है, नमक करेक्ट है क्या टेस्ट करना है। ओके, नाउ पिछले वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था, ये साफ कर लिया कि कैसे टेस्ट करते हैं। ठीक है, यहां से थोड़ा पानी लिया, ओके, एंड यहां पे ऐसा डाला, ओके, पूरा पानी इसमें डाला और इसको बंद कर दिया। ये पूरा पानी आ जाना चाहिए उसमें, और इसको सामने लाइट रख के ऐसा देखना है ताकि हमें करेक्ट मेजरमेंट मिले। चलो आ जाओ। नो, जैसे आपको दिख रहा है मीटर में, ओके, लेफ्ट साइड में आपको 1.020 के ऊपर 025 दिख रहा है, एंड राइट साइड में वो आपको एवरेज एक 30% चाहिए, मतलब 28 से 31, 32 भी है तो इट इज ओके, सेलिनिटी नॉर्मल है, करेक्ट है। ठीक है, सो ये लेफ्ट साइड में जो डिग्रीज दिखा रहा है इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, एंड राइट साइड में ये 30 parts per 1000 है, मतलब 30 parts per 1000 इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट या सेलिनिटी 30 parts per 1000, सो सेलिनिटी भी करेक्ट है, तो हमारा वाटर पैरामीटर्स सही है। हमारे पास हमने चेक किया था पीएच, नाइट्राइट, नाइट्रेट, एंड ऑफकोर्स अमोनिया भी चेक किया एंड सेलिनिटी भी चेक किया, सब कुछ करेक्ट है, हमारा सिस्टम गो है। नो, ये हमें देखना है कि साइकिल अच्छा हुआ है 15 डेज में, बट जल्दी नहीं करना है। ठीक है, और भी मुझे साइकिलिंग चाहिए और पक्का चाहिए। ठीक है, नो इसके लिए थोड़ा अमोनिया बढ़ाने के लिए मैं फिश डालने वाला हूं, और वो भी सेल फिन मोली डालने वाला हूं। सेल्फिन मोली क्यों? सेल्फिन मोली एक्चुअली ब्रैकिश वाटर फिश है,
ऐसा मछली जो समंदर के पानी और जो फ्रेश वाटर खारा पानी जहां पे मिक्स होता है, ओके, ब्लैकिश वाटर बोलते हैं उसको, ठीक है, बैक वाटर्स बोलते हैं उसको, ठीक है, अगर साउथ में है, केरला में बैक वाटर्स होता है, वो एरिया जहां पे फ्रेश वाटर या रिवर वाटर एंड सी वाटर समुद्र का पानी मिक्स होता है, ऐसे पोजीशंस जहां गंगा नदी आके बे ऑफ बंगाल में समुद्र में मिलता है, वो एरिया को ब्रैकिश वाटर बोलते हैं, ठीक है। सो ये ब्रैकिश वाटर फिश होने के वजह से वो नमक के पानी में भी या समुद्र के पानी में भी आराम से जी सकता है, नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकता है। ये सेलफिन मॉली, नाउ ट्रू सेलफिन मॉली ही यूज करें, ठीक है, रेगुलर मॉली फिश कभी कभी संभलता नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट फिश यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इसके लिए लाइक आई सेड स्टार्टिंग में, थोड़ा जानकारी होना, थोड़ा होमवर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ फिश मोस्टली क्वारंटाइन हो चुका है, बट देखते हैं संदीप ने इसमें क्वारंटाइन कैसे किया, ठीक है, ओके। नाउ यहां पे हमें शॉप का फ्रेश वाटर फेंकना नहीं है, वो फ्रेश वाटर चाहिए हमें, ठीक है, रेगुलर फ्रेश वाटर एक्लिमेटाइजेशन में हम लोग शॉप का पानी निकाल देते हैं, बट यहां पे रहने दो। और ये जो नमक का पानी हमने निकाला है, ठीक है, वो धीरे धीरे हम इस पानी में मिक्स करेंगे, ओके, एंड ऑफ कोर्स फ्रेश वाटर कम करते जाएंगे, सॉल्ट वाटर इंक्रीज करते जाएंगे, एंड नाउ एक्लिमेटाइज होने के बाद न्यूट्रो प्लस, हमारा एपीआई का न्यूट्रो प्लस, यहां पे मैं 10 ड्रॉप डालने वाला हूं, ये 1 लीटर पानी है ये मग में, 6, 7, 8, 9, 10 ड्रॉप्स मैंने डाला, ये फिश को डिस्ट्रेस करेगा, ओके, एंड ये स्ट्रेस फ्री रहेंगे और आराम से रहेंगे सॉल्ट वाटर में भी। सो नाउ संदीप ने ये फिश क्वारंटाइन करके यहां पे ये मग में लाया है, ठीक है, ये पूरा सॉल्ट वाटर है। नाउ यहां पे मैंने हमारा ये न्यूट्रो प्लस यूज किया ना, देखा ना आपने, न्यूट्रो प्लस एक ऐसा मेडिसिन है जो सॉल्ट वाटर फिश एंड फ्रेश वाटर फिश दोनों के लिए काम करता है। नाउ ये सेलफिन मॉली को सेलफिन क्यों कहते हैं और इसको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, ठीक है, आप पास में आओ, यहां पे भी देख सकते हो या मैं फोटो भी दिखा दूंगा आपको। ये जो डॉर्सल फिन है, पीछे का फिन है, बड़ा रहता है, टॉल रहता है, हाई फिन मॉली भी बोलते हैं कभी कभी, ओके, बिकॉज ये जो पुराने जमाने में नाव होते थे ना, बड़ा कपड़े का सेल होता था, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते थे, बट कपड़े का बड़ा रहता था जो शिप को हवा के वजह से मूव करता था, तो ये सेल फिन मोली, ब्यूटिफुल फिश, अभी ये एक्लेमेटाइज हुआ है, क्वारंटाइन भी हुआ है, दुकान से हमने गुड क्वालिटी देख के खरीदा है, गुड मूवमेंट देखा है। नाउ इंपॉर्टेंट है कि आप इमीडिएटली ये फिश को डाल ना दे, ये पूरा नमक का ही पानी है मग में, धीरे 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 मैं क्या करना वाला हूं, ये जो मग है इसको मैं अंदर आराम से छोड़ने वाला हूं ताकि टैंक का पानी मिक्स हो और आराम से मछली अपने आप बाहर आए, मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, उनको अपने आप ही आना है, मैं फोर्स नहीं करने वाला हूं, ठीक है। जब हम सीधा सीधा पोर कर देते हैं तो फिश स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है, तो आराम से डाला है हमने, ठीक है, यहां पे 3 ब्लैक वाले हैं और 2 व्हाइट वाले सेलफिन मॉलीज है। नाउ यहां पे आपको दिख रहा है ना, ये फिश में ऊपर का जो सेल फिन है या डॉर्सल फिन है या टॉप ऊपर जो फिन है वो सेल जैसा बड़ा टॉल फिन्स है, ठीक है, एंड ये आराम से नीचे बैठा है, उसका ब्रीदिंग ऑब्जर्व करें, ब्रीदिंग नॉर्मल है, स्लो है, मतलब स्ट्रेस्ड आउट नहीं है फिश, वो आराम से है, ओके, सो इट क्लियरली शोज कि ये सॉल्ट वाटर में भी रह सकता है। हमारा टेस्टिंग सब हो गया ना, तो ये थोड़ा पोंछ के अच्छे से साफ करके वापस रख देना ऑलवेज बेटर है, ठीक है। नाउ ये हो गया। नाउ आखिर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता है, वो है हमें यहां पे साइक्लिंग इंप्रूव करने के लिए हमने ये फिश डाला, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ
इसमें बिकॉज ऑफ फिश फूड या पूप एंड पी नाइट्राइट क्रिएट होगा, नाइट्राइट वो अमोनिया में ट्रांसफॉर्म होगा। जो बैक्टीरिया हमने डाला था पिछले वीडियो में, ये वाले, वो मीडिया में कॉलोनाइज होके उनके लिए खाना बनेगा, अभी अमोनिया को तोड़ेगा, ठीक है, एंड वो साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल चालू हो जाएगा। सो नाउ फिश फूड से याद आया, हमारे दो मरीन के फिश फूड लॉन्च होने वाला है। ये जो है रेगुलर डे टू डे फिश, इसलिए क्लाउन वगैरह है उसमें, और ये एग्जॉटिक फिश के लिए, इसमें थोड़ा प्रोटीन ज्यादा है, इसमें एल्गे ज्यादा है। एग्जॉटिक मतलब आपके टैंग्स वगैरह के लिए ये बहुत बेटर फूड है, और ये रेगुलर क्लाउन्स वगैरह के लिए ये अच्छा फूड है। सो नाउ लाइफ आयु में आपको मरीन फिश फूड भी मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा, बहुत जल्दी मार्केट में आने वाला है। आप अपने नजदीक में दुकान में या आपके जो भी ऑनलाइन जहां पे आप खरीदते हो वहां से आप खरीद सकते हो, ठीक है। ये टैंक में कौन सा फिश डालना है, कौन सा प्लांट हम डालेंगे, याद है ना, एल्गे डालने वाले हैं, मैक्रो एल्गे, वो अगले वीडियो में होगा, ठीक है। आप ऑफकोर्स कमेंट्स में लिख सकते हो कि ये कौन सा फिश डालना चाहिए, ठीक है, मजा आएगा। ओके, सो मैं आशा करता हूं ये वाटर टेस्टिंग का वीडियो आपने एंजॉय किया, कुछ सीखा, मजा लिया, एंड आप भी करेक्टली प्रिपेयर होके पूरा टेस्टिंग करोगे, सही टेस्ट किट्स यूज करोगे, एंड आप अपना मरीन टैंक को मस्त बनाओगे, ठीक है। सेलफिल मॉली कितना यूनिक फिश है वो भी हमने देखा, मजा आया ना, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे, एंड एज ऑलवेज मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, मेरे पूरे टीम, हम सब की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबकेर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे, बस मैक्रो एल्गे का टैंक बन रहा है, ओके, रीफ टैंक विद एल्गे, इंटरेस्टिंग, मजेदार, ओके, जल्दी, हाँ, ओके, बाय।